बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक शर्ट से हम एक बहुत ही प्यारी सी बेबी की फ़्रॉक बनाएंगे। तकरीबन 2-2.5 साल तक की एज की उम्र की होगी वो, जो आराम से पहन सकेगी। तो उसके लिए हमें एक शर्ट चाहिए। आप देख लें, अक्सर हमारे घर में कुछ फालतू शर्ट्स पड़ी हुई होती हैं जो नहीं पहनने में आती हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा आइडिया है ये। तो आप देखें कैसे बनाते हैं। हमने सबसे पहले इसकी शर्ट की जो लेंथ में जो गोलाई आ रही होती है उसको हमने सीधा कर लेना है। फिर उसके कोने से इंची टेप रख के और जो उसकी बगल जितना जो साइड है वहाँ तक हमने लंबाई रख के नाप लेनी है। तो इसकी 16 इंच की है, तो हम 16 इंच की हम गोलाई से जिस तरह से हम एयरलाइन फ्रॉक्स बनाते हैं इस तरीके से हम इसकी गोलाई काटेंगे। पहले देखेंगे हम कि एक्स्ट्रा कपड़ा अगर हमारे पास बच रहा है तो हम इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ा लेंगे। तो इसमें थोड़ा सा मुझे और नज़र आ रहा था कपड़ा, तो फिर मैंने थोड़ा सा इसे बढ़ा लिया है, 3-3 इंच का मैंने और बढ़ा लिया है। चाहे तो आप इसमें कटवर वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी सिंपल फ्रॉक बना रही हूँ लेस लगा के। मेरे पास कटवर वाली लेस है तो मैं वही लगाऊंगी इसमें, मैं अभी आपको दिखाऊंगी इसको। जस्ट हमने इसी तरीके से गोलाई पे हमने निशान लगा के और बस हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। बीच में जो इसके ये बटन आ रहे हैं, बटन वाला जो हिस्सा है, इसका भी हम इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, अपने डिज़ाइन में ही यूज़ कर लेंगे हम इसको, तो उससे एक नया लुक आ जाएगा फ्रॉक में। तो आप देखिएगा, ये देखें इस तरह से हमने इसकी गोलाई कटिंग कर ली है। ये वाली लेस है, ये मेरे पास कटवर वाली ही लेस है, तो हम इसको इस तरीके से लगाएंगे। जब मैं लगाऊंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से लगा के इसको हम खूबसूरती से अटैच कर सकते हैं इसमें, और ये कितना प्यारा लुक आता है। दोनों घेर का जो हमने ये कटिंग करी है इसको आपस में मिला के इसको हम बराबर करेंगे पहले, और बल्कि सबसे पहले हमें इसकी ऊपर की योग की साइड भी तो काटनी है। हमने जो योग में जो हम इसकी योग में जो ज्वाइंट करेंगे हिस्सा, वो हमने कटिंग करना है। तो वो आप नाप लीजिएगा, तकरीबन 13 इंच का मैंने इसकी चौड़ाई रखी है, तो आप देख लीजिएगा बिल्कुल बराबर से कटिंग करिएगा। बिल्कुल एक बराबर आने चाहिए दोनों कोने, और इसका घेर भी बिल्कुल एक बराबर आना चाहिए। जो एक्स्ट्रा कपड़ा हो उसको आप कटिंग कर लें, कटिंग करके इसको निकाल लें। तो इस तरह से जो हमारे पास जो बेकार चीज़ें पड़ी हुई होती हैं हम उसको यूज़ करके उसको इस्तेमाल में ले सकते हैं, तो ये वेस्ट होने से बच जाती है वो चीज़ें। इतना अच्छा सा घेर तैयार हो चुका है। ये इस तरीके से हमने इसको लेस को अटैच करना है। इसमें ये जो फ्रंट का हिस्सा जो खुला हुआ होता है शर्ट का, उसको वो भी बंद हो जाएगा और इसमें एक स्टाइल भी आ जाएगा, और यही वाली लेस हमें पूरे घेरे में भी लगानी है। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो मैंने अपलोड की है, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। इंशाल्लाह अब रोज़ाना से वीडियो अपलोड होंगी, तो आप भी दुआ कीजिएगा मेरे लिए। आई होप सब दुआ करेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। तो इसकी जो स्लीव्स में से जो है हमने योक निकालनी है, छोटी बच्ची की है तो आराम से इसमें से योक आ जाएगी। तो इसका जो ऊपर वाला साइड है स्लीव्स का, वो हमने लेना है शोल्डर में, और जो इसका जो बाजू वाला साइड है, जो बीच का जो साइड है इसका ना, वो हम योक की जो कमर की जो चौड़ाई होती है ना वो रख लेंगे। तो लेंथ और जो चौड़ाई है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने इसमें स्टेप लगाने हैं तो इसलिए इसमें मैं शोल्डर की कटिंग नहीं करूँगी, बस हल्की हल्की सी कटिंग करनी है मुझे। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इसकी लंबाई मैंने सिर्फ 7 इंच की रखी है और चौड़ाई जो है इसकी वो 13 इंच की है डबल करके। बस ये इस तरह से हल्का सा हमने इसकी 3 इंच के गैप से हमने हल्की सी गोलाई कर दी है शोल्डर की तरफ से। और ये जो है इसका ये जो गले का हिस्सा होता है ये यहाँ पे आ जाएगा, 2 स्टेप यहाँ पे आ जाएंगे तो आराम से गले की चौड़ाई भी बिल्कुल फिक्स आएगी।
ये देखें, ये अब आपकी समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से एक आस्तीन के अंदर से आराम से ये योग जो है पूरी निकल आई, और ये पूरी आराम से एक खूबसूरत सी फ्रॉक बन के तैयार हो जाएगी। और ऊपर वाली साइड पे हमें स्टेप लगाने हैं, तो उसके स्टेप का हिस्सा भी हमने दोनों स्लीव्स में से निकाल लिया है। जो बाकी का हिस्सा है उसको भी हम यूज़ करेंगे। ये इस तरीके से देखें, ये दो स्टेप बड़े आराम से तैयार हो जाएंगे इसमें, ये देखें। और जो स्लीव्स में जो बाकी के जो पीस बचे हैं उसे हम बहुत खूबसूरत सी एक बो बनाएंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें, इस तरह से हम इस पे ये स्टेप लगा देंगे। और जो इसमें से जो बाकी का जो हिस्से बचे हैं, जो शर्ट के जो आपको लग रहा है कि इसमें से डबल करके ये जो हमने योग की कटिंग करी है, इसके अंदर पट्टी लगाने के लिए हमें कुछ पीस चाहिए होगा, तो वो आप इसमें से निकाल सकते हैं आराम से। और चाहें तो आप एक उरे पट्टी काट के वो भी लगा सकते हैं। ये देखें, इस तरीके से हमने इसमें लगा लेना है। ये इसको सिर्फ सिलाई लगा के हम पलट लेंगे, और उसके साथ ही फिर हम स्टेप भी लगा देंगे। फिर जो बाकी का जो पीस बचा है हमारे पास, थोड़ा सा उरेब है, इसको हम हल्का सा सीधा करके इसमें 3 इंच की हमने एक फ्रिल निकालनी है जो हम इसकी योग में लगाएंगे। तो आप देख लीजिएगा जिस तरह से आपको मुनासिब लगे। इसमें से एक फ्रिल निकालना बड़ा आसान होता है, आप निकाल सकते हैं इसमें से फ्रिल। जो पीस बाकी के बचे हैं उसमें से भी हम कुछ ना कुछ बना के लगा सकते हैं। 1-1 इंच की जो झालर लगती है, फ्रिल लगती है, वो भी हम लगा सकते हैं चारों तरफ। अगर आपके पास लेस ना भी हो तब भी इसको आप सिंपल भी सी सकते हैं। तो अगर लेस नहीं है जब भी आप इसको आराम से सी के बहुत अच्छी खूबसूरत सी फ्रॉक बना सकते हैं। ये देखें, मैंने इसमें ये लेस इसमें ज्वाइन कर ली है। और जो इसके ये जो काज जो बटन वाला हिस्सा है, यहाँ पे मैं वही बटन निकाल के और इस कपड़े की मदद से मैं बटन बना के लगाऊंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पूरी देखिएगा। ये देखें, इस तरीके से हमने ये स्टेप लगा देने हैं, और फिर हम इसके ऊपर ये पट्टी लगा के पलट देंगे। स्टेप को हमने इस तरह पलटना है यहाँ पे, और फिर हमने ये पट्टियाँ लगा के इसको पलट देना है। और जब हम उसको पलटेंगे तो फिर इसी तरह से जो इसका बैक वाला साइड है इस पे भी हमें इस तरह से पट्टियों को पलटना है ताकि वो उसके अंदर चली जाए और आराम से फिनिशिंग आ जाए। देखें, ये सिल के तैयार हो चुकी है, बहुत ही खूबसूरत सी ये एक बेबी फ्रॉक बन चुकी है। ये देखें, आई होप आपको असल चीज़ इसकी कटिंग होती है, सिलाई तो आती है तमाम ख्वातीन को, और जो बिगनर्स हैं जिनको नहीं आती है वो मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं, तो फिर मैं इसकी स्टिचिंग की भी वीडियो लाजमी बनाऊँगी। तो ये देखें, वही बटन जो मैंने इस पे लगे हुए थे वही बटन मैंने निकाल के उसके कपड़े के बटन मैंने बना लिए हैं, और जो बाकी का कपड़ा बचा उसकी मैंने खूबसूरत सी ये बो बना के लगा दी है। तो वीडियो देखने का शुक्रिया, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपनी बहन को इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।